अपना भी नसीबा क्या खूब मिला है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ नया सीख लेते हैं। भाई साहब के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, तो आज भी नया लेके आए हैं। जो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है वही व्हाट्सएप स्टेटस आपको बनाना बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अलाइट मोशन ऐप के अंदर आएंगे इस तरीके से। इस तरीके से आने के बाद प्लस वाले आइकन पर जाएंगे। 9:16:4:5 का ये रेशियो, 1080p 60 पिक्सल ब्लैक स्क्रीन और क्रिएटिव प्रोजेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पे जाना है, मीडिया पे जाना है। फ्रेंड्स आपको दो पिक ले लेने हैं जो भी आपको पसंद। तरीके से ये पिक लेने के बाद इसको फ्रेंड थोड़ा सा एडजस्ट कर देना इसी तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से एक बार मीडिया में जाना है और एक पिक लेके आनी है। इस तरीके से दूसरी पिक लाने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करना है। आप जैसे भी पिक यहाँ जमाना चाहते हो जमा सकते हो, तो इस तरीके से इसको कर देना। करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक काम और करना है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो नीचे वाली पिक है इसके अंदर आपको एक ट्रांजेक्शन देना है, वो मैं बता देती हूँ कैसे करना है आपको। इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल कर लेना आप। इक्वल करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये नीचे वाले में एक ट्रांजेक्शन देना है जो एड इफेक्ट में मिलेगा, और ड्रॉइंग और एज के अंदर रफ एज स्टैंडर्ड लेने के बाद देखो स्ट्रेंथ जो है ना ये 0.50 कर देना। और जो इवोल्यूशन है इसको आपको कर देना 0.37। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये है डिटेल्स इसको 2.08 कर देना। ऐसे करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है, इसको पूरा कर देना इस तरीके से। तो ये आपका इफेक्ट लग चुका है, अब आपको इसको इस तरीके से वापस कर देना है। और फोटो सही से सेट नहीं हो तो थोड़ा सेट कर लीजिएगा, और इसी तरीके से इनकी फोटो को भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक ब्रश वाला इफेक्ट मिलेगा जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। तो पहले ब्रश वाले इफेक्ट को ले आते हैं फिर गाना ले लेते हैं। तो जो सबसे पहले है वो ब्रश वाला इफेक्ट ले लेते हैं। इस तरीके का एक आपको इफेक्ट मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा सेट कर लेना आपको इस तरीके से, बता रही हूँ जैसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इस तरीके से। करने के बाद आपको क्या करना फ्रेंड्स, थोड़ा सा बैक जाना है और इसको भी यहाँ तक ले आना जहाँ तक ये आपका है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको क्या करना फ्रेंड्स, प्लस वाले आइकन पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और पीछे मीडिया पे जाएंगे तो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो मिल जाएगा इस तरीके से। और वीडियो आने के बाद आपको 3 डॉट पे जाना है, इसमें से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है और वीडियो को कर देना है डिलीट, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा जो ये पिक है थोड़ा सा सेट नहीं है, इसको थोड़ा सा आप
फैला लीजिएगा और सबको सेट करते जाइएगा। तो जहाँ तक आपका गाना है वहाँ तक इसकी इसको रखिए, इसके बाद सारी चीज़ को हटा दीजिएगा। तो मैं हटा देती हूँ सारा। इस तरीके से करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो फ्रेंड्स एक भाई का प्रोजेक्ट है टेक्निकल महात्मा, तो उस प्रोजेक्ट को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ से ले लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, देखो ये पिक विक नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ ये दो जो लाइटिंग और ये टैक्स वाला दो चीज़ मिलेंगे आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर। फ्रेंड्स आपको प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ ये दो चीज़ मिलेगी, मैं आपको बता देती हूँ, ये वाले दोनों चीज़ मिलेंगी, इन दोनों को आपको कर लेना है कॉपी, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर आना है, आने के बाद इसको यहाँ पे कर देना पेस्ट। अब जो मैं पेस्ट कर रही हूँ वो तो भाई ने जो गाना बनाया है वैसा ही सेम टू सेम है, तो ये हो जाएगा। तो जैसे भाई ने उसका पहले आपको उसका समझा देती हूँ, आप दूसरा बनाना चाहते हो उसका भी मैं आपको समझा देती हूँ। वीडियो पर बने रहिए कि कैसे करना है आपको। तो जैसे आपने जिस भी गाने पे आप ये वीडियो बना रहे हो, मतलब इस इफ़ेक्ट को लगा रहे हो, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जैसे इमोजी है, आप ये इमोजी है तो इमोजी के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे। इमोजी का जो IS वर्जन फॉन्ट है वो आपको मैं बता दूंगी। जैसे इसको आप चेंज करना चाहते हो तो इसको आप यहाँ चेंज करेंगे, दूसरा लेंगे, लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, जैसे ये गाने के बोल है तो यहाँ जो आपके गाने के बोल है उसको भी आप चेंज करेंगे। ये फॉन्ट भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, नहीं तो मीडिया फायर का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे गाने के बोल है अपना भी नसीबा, तो इसके बाद जो भी गाने के, यदि ये जो इमोजी आती है तो आप इमोजी को कॉपी करेंगे पेस्ट कर लेंगे, गाना आता है तो गाने को कॉपी करेंगे पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो तैयार कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करते हैं इसको। अब आपको क्या करना, जैसे ये इमोजी आ रही है तो इमोजी आ जाएगी, उसके बाद में जो सॉन्ग आ रहा है तो सॉन्ग का बीट ऐसे कर लेना आगे पीछे हो, तो उसको वहाँ तक ले जाना जहाँ तक आपका है ये। और फिर जैसे ये इमोजी आ रही है तो चेंज करके इमोजी को चेंज कर लेना, और जो गाना आ रहा है उसको गाने को लिख लेना। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो जाएगा। और वैसा कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि भाई साहब मोटिवेट होके आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आते रहे। थैंक यू दोस्तों। फ्रेंड्स ये सारे मटेरियल है जो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से ही आप ले लीजिएगा। थैंक यू।